हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ शेफाली. एंड अब तक हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम क्यों यूज़ करते हैं. हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनकी वर्किंग को और आसान बनाने के लिए हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं. इसको क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं. और हर एक मॉड्यूल को, हर एक पार्ट को हम लोग एक टास्क प्रोवाइड कर देते हैं कि उसको ये टास्क परफॉर्म करना है. और हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी कि हम लोग किस तरह से अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फंक्शन में अपने वैल्यूज कैसे पास करते हैं. अब तक हमने फंक्शन में जितने भी प्रोग्राम करे हैं वो पास बाय वैल्यू के थ्रू करे हैं. वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू क्या होता है और हम उसको कैसे करते हैं. वैसे हम लोग दो तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं मेन फंक्शन से हमारे फंक्शन को, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू को हम पास बाय वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी मेन फंक्शन से फंक्शन को वैल्यूज पास करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे ये कोडिंग लिख के रखी हुई है. हम थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट साथ ही देखेंगे. मैं अलग अलग वीडियो नहीं बना रही हूँ. मैं जस्ट आपको इसी प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी कि पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है. इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे कोडिंग लिख के रखी हुई है, मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर फाइल का यूज करा है, हैश इंक्लूड एसओ डॉट एच. फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करा हुआ है, एक इंटीजर डाटा टाइप लिया हुआ है और मेरे फंक्शन का नाम है एक्सचेंज. एक्सचेंज में मैंने दो पैरामीटर्स लिए हुए हैं इंटीजर टाइप के, ठीक है. फिर मैंने मेन फंक्शन लिया हुआ है. यहाँ मैंने फंक्शन को पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, यानी मैं अपने कंपाइलर को बता रही हूँ कि मैं ये एक्सचेंज फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करने वाली हूँ, जिसका जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इंटीजर डाटा टाइप के हैं और जो मुझे रिटर्न टाइप में मिलेगा, यानी जो वैल्यू मुझे रिटर्न होके आएगी वो भी इंटीजर डाटा टाइप की ही होगी. तो फिर यहाँ मेन फंक्शन में मैंने थोड़ी सी कोडिंग लिखी हुई है. यहाँ पे मैंने ए और बी वेरिएबल लिए हुए हैं इंटीजर डाटा टाइप के. फिर यहाँ पे मैंने प्रिंटर स्टेटमेंट का यूज करा है, एंटर टू नंबर्स. यहाँ पे यूजर दो नंबर्स एंटर करेगा और स्कैनफ स्टेटमेंट के थ्रू मैं ए और बी में वो दो नंबर्स स्टोर करा दूंगी. यहाँ पे मैंने परसेंट डी का यूज इसलिए करा है क्योंकि हम लोग इंटीजर डाटा टाइप यूज कर रहे हैं. अगर हम फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं तो यहाँ पे हम परसेंट एफ लिखते हैं. फिर यहाँ पे जाके मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में अपने फंक्शन को कॉल किया है. ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं कि हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं. सबसे पहले हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है, उसके बाद हम अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं. अगर हमारे फंक्शन में किसी आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है तो हम इस ब्लॉक को खाली भी छोड़ सकते हैं. तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंपाइलर इस स्टेटमेंट के बाद इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, या इसको जहां भी पूरे प्रोग्राम में इसको एक्सचेंज फंक्शन मिलेगा वो वहां पे चला जाएगा और उसके अंदर जो भी कोड होगा, जो भी उसको टास्क दिया होगा परफॉर्म करने के लिए, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा. जैसे कि इसके बाद हमारा फंक्शन कंपाइलर यहाँ पे चला जाएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे एक एक्सचेंज फंक्शन दिया गया है. तो यहाँ पे मैंने एक एक्सचेंज फंक्शन लिया है, इसको वैसे ही डिक्लेयर करा है जैसे मैंने अपने प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करा था. तो यहाँ मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन करा है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स लिए हुए हैं ताकि मैं वैल्यूज एक्सचेंज करा सकूं. और यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड वाई इक्वल टू वाई प्लस टेन. ये क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने 10 और 20 नंबर्स एंटर करे हैं, दो नंबर्स हैं तो 10 और 20 उसने एंटर करे हैं. तो यहाँ पे ए वेरिएबल में हमारे 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और बी वेरिएबल में 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी. तो क्या होगा, वैल्यू है वो पास होके एक्स में आ जाएगी और जो बी की वैल्यू है वो पास होके वाई में आ जाएगी. यानी ए इक्वल टू एक्स बन जाएगा और बी इक्वल टू वाई बन जाएगा. मैंने यहाँ पे बोला कि x इक्वल टू x प्लस फाइव, यानी x की जो भी वैल्यू है उसमें 5 ऐड हो जाए और y की जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड हो जाए. तो ये मैंने अपने फंक्शन को टास्क दिया हुआ है. जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो
हमारा जो कंपाइलर है वो दोबारा जाएगा, वो देखेगा कि एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट गिवन है, तो उसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज होंगी वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड पास बाय वैल्यू काम करता है। यहाँ पे हमारे ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू हमेशा फॉर्मल पैरामीटर्स में पास करी जाती है, यानी कॉल जब कॉल होता है तो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में पास हो जाती है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये हमें दो नंबर्स एंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैं दो नंबर्स एंटर करती हूँ। फर्स्ट नंबर है मेरा 20 एंड नेक्स्ट नंबर है हमारा 30। तो चलिए देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलेंगे। आफ्टर एक्सचेंजिंग वैल्यूज आर 20, 30। यहाँ पे हमें 20 और 30 ही वैल्यूज मिल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो 20 है उसमें 5 ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं? हमें 25 वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है? और 30 में 10 ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं? हमें 40 वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है? जबकि हमने फंक्शन को एक टास्क प्रोवाइड करा था कि x की जो भी वैल्यू है उसमें 5 ऐड करना है और जो y की वैल्यू है उसमें 10 ऐड करना है। ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर हम लोग a की वैल्यू x में और b की वैल्यू y में कॉपी कर रहे हैं या पास हो रहे कर रहे हैं तो वैल्यूज तो करेक्टली पास हो जाएंगी, लेकिन अगर हम लोग इस फंक्शन के अंदर यानी x इक्वल टू x प्लस y या y इक्वल टू y प्लस 10 अगर हम लोग अपने फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे मेन फंक्शन में विजिबल नहीं होंगे। जैसे कि यूजर ने 10 और 30 वैल्यूज एंटर करी, अब मैंने यहाँ पे चेंजेस करे थे x और y की वैल्यू में, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो x में कॉपी हो गई और जो b की वैल्यू है वो y में कॉपी हो गई, लेकिन जो चेंजेस हमने x और y में किए वो हमारे a और b में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हमने देखा कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी करी जाती है, तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर ने 10 और 20 वैल्यूज एंटर करी तो जो ए की वैल्यू है यानी जो 10 वैल्यू है वो ए वेरिएबल में जाके स्टोर हुई है 2002 बेस एड्रेस पे, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। और जो 20 वैल्यू है वो बी वेरिएबल में जाके स्टोर हुई है 4004 लोकेशन पे। क्या हो रहा है? हमने बोला कि ए की वैल्यू है वो x में पास हो जाए और जो b की वैल्यू है वो y में पास हो जाए, तो जो a की वैल्यू है उसको हमने फंक्शन के थ्रू किस में पास कर दिया, x में, और b की वैल्यू को y में पास कर दिया। क्या हो गया कि x का जो x वेरिएबल है उसमें भी 10 वैल्यू आ गई और जो y वेरिएबल है उसमें भी 20 वैल्यू आ गई, लेकिन क्या है, इन दोनों के बेस एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि x का बेस एड्रेस है 6006 एंड y का बेस एड्रेस है 8008, a और b के बेस एड्रेस से बिल्कुल अलग है। जब हम लोग x में और y में चेंजेस कर रहे हैं तो वो a और b में रिफ्लेक्ट क्यों होंगे? अगर इन दोनों की मेमोरी लोकेशन एक ही होती, ठीक है, जैसे कि अगर हम a में चेंजेस कर रहे हैं तो वो हमें a में ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किसी बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसका अलग मेमोरी लोकेशन है, इसका अलग बेस एड्रेस है और इसका अलग बेस एड्रेस है। तो जब हम लोग एक्स और वाई में चेंजेस कर रहे हैं तो वो ए और बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग है। ये 2002 मेमोरी लोकेशन पे लोकेट है हमारा ए वेरिएबल जिसमें कि 10 वैल्यू है, और जो x वेरिएबल है वो 6006 मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट है जिसमें भी 10 वैल्यू है। अगर हम लोग अपने फंक्शन में कोई भी चेंजेस करते हैं x और y में तो वो हमारे a और b में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। फॉर्मल पैरामीटर्स में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में हमें शो नहीं होंगे। ये पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके लिए हम यूज करते हैं पास बाय रेफरेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। पास बाय वैल्यू में सिर्फ इतना ही होता है कि जब हम लोग अपने मेन फंक्शन में यूजर से कोई वैल्यू एंटर कराते हैं या कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, तो हम लोग फंक्शन के थ्रू फॉर्मल पैरामीटर्स में एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज को पास करते हैं। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं।
क्योंकि उन लोगों के डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं फॉर्मल पैरामीटर्स से। इसलिए ये वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, साथ ही आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो से सबसे पहले नोटिफाई हो। थैंक यू।